भगवान ही राजा हैं। एक गरीब विधवा के पुत्र ने एक बार अपने राजा को देखा। राजा को देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या कभी मैं राजा से बात कर पाऊंगा? माँ हंसी और चुप रह गई, पर वह लड़का तो निश्चय कर चुका था। उन्हीं दिनों गांव में एक संत आए हुए थे, तो युवक ने उनके चरणों में अपनी इच्छा रखी। संत ने कहा, अमुक स्थान पर राजा का महल बन रहा है, तुम वहां चले जाओ और मजदूरी करो, पर ध्यान रखना वेतन न लेना, अर्थात बदले में कुछ मांगना मत, निष्काम रहना। वह लड़का गया, वह मेहनत दोगुनी करता पर वेतन न लेता। एक दिन राजा निरीक्षण करने आया, उसने लड़के की लगन देखी, प्रबंधक से पूछा, यह लड़का कौन है जो इतनी तन्मयता से काम में लगा है, इसे आज अधिक मजदूरी देना। प्रबंधक ने विनय की, महाराज इसका अजीब हाल है, 2 महीने से इसी उत्साह से काम कर रहा है, पर हैरानी यह है कि यह मजदूरी नहीं लेता, कहता है मेरे घर का काम है, घर के काम की क्या मजदूरी लेनी। राजा ने उसे बुला कर कहा, बेटा तू मजदूरी क्यों नहीं लेता, बता तू क्या चाहता है। लड़का राजा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा दृष्टि मिल गई, मुझे मेरी मजदूरी मिल गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा उसे मंत्री बनाकर अपने साथ ले गया और कुछ समय बाद अपनी इकलौती पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। राजा का कोई पुत्र था नहीं, तो कालांतर में उसे ही राज्य भी सौंप दिया। भगवान ही राजा हैं, हम सभी भगवान के मजदूर हैं, भगवान का भजन करना ही मजदूरी करना है। संत ही मंत्री है, भक्ति ही राजपुत्री है, मोक्ष ही वह राज्य है। हम भगवान के भजन के बदले में कुछ भी न मांगे तो वे भगवान स्वयं दर्शन देकर पहले संत बना देते हैं और अपनी भक्ति प्रदान कर कालांतर में मोक्ष ही दे देते हैं। वह लड़का सकौम कर्म करता तो मजदूरी ही पाता, निष्काम कर्म किया तो राजा बन बैठा। यही सकौम और निष्काम कर्म के फल में भेद है। तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चित भजिए राम, जगत मजूरी देत है, जय माता दी, जय श्री राम।